उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और इसके व्यावसायीकरण पर लगाम लगाने को लेकर नित नए दिन प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की इस पहल पर उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों की जो यूनिफॉर्म, पुस्तकें और स्कूल बैग सितंबर माह तक में मिलता था, वह 17 जुलाई माह में ही वितरित हो रहा है। प्रदेश सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के तहत अलहदादपुर स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को प्रधानाध्यापिका सरिता दुबे द्वारा कुल 112 बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म वितरित किया गया। इस दौरान विद्यालय की शिक्षक सुषमा ओझा, उर्मिला शुक्ला भी मौजूद रही। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सरिता दुबे ने कहा, शासन द्वारा जब धन प्राप्त हुआ है, प्रोसेस तो जून से ही शुरू हो गया था, तो थोड़ा टाइम तो लग गया बनने में, लेकिन फिर भी जल्दी ही जुलाई में बट गया। हमेशा सितंबर तक बढ़ता था, लेकिन इस साल तो जुलाई में ही बट गया। एक बार दो ड्रेस पर बच्चे को मिलता है, दो सेट। यहाँ पे 76 प्राथमिक विद्यालय अलहदादपुर में इनरोल्ड हैं और जूनियर में 36 सभी बच्चों को, मतलब जितने उपस्थित आज हैं उनको। हाँ, तो करीब करीब 51 प्राथमिक में उपस्थित हैं, 24 जूनियर में उपस्थित। कोई अंतर नहीं आया, पैसा तब भी 200 रुपया पर ड्रेस का मिलता था, 400 रुपया पर बच्चे के दो सेट का, और इस बार भी वही मिला है। महंगाई के हिसाब से तो बहुत मुश्किल से हुआ है, लेकिन खैर हो गया। और बाकी कोई, हाँ ये है कि सितंबर की जगह जुलाई में मिल गया।